नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ चावल का आटा बनवाने। तो चावल का आटा किसको किसको पसंद है? चावल की आटे की बहुत सारी रेसिपी बनती है, तो यहाँ पे मैं चावल का आटा तैयार करवाने जा रही हूँ। अगर आपको देखना कि ये आटा किस तरह तैयार होता है, तो मैं वही बताने जा रही हूँ कि आप सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। तो दोस्तों, हमारे यहाँ ज़्यादा सा चावल का आटा बनता है और सबको बहुत पसंद है। मुझे पसंद है, मेरे बेटे को पसंद है, सभी को बहुत पसंद है। तो मैंने जो चावल के आगे का जो टूटा हुआ चावल निकलता है, टुकड़े टुकड़े चावल हैं, उन चावलों को धोकर धो दिया है मैंने। इसके बाद मैं इसे सुखा दूंगी। अच्छे से धूप में सूखने के बाद हम इसे चक्की पर भेज देंगे, जिससे इसका आटा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, और जो कोई भी चावल के आटे की रेसिपी बनानी है, आप उसे बना सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया एक तरीका, जिससे आप बहुत सारा चावल का आटा एक बार मशीन से बनवा कर रख सकते हैं और अपना इस्तेमाल करते रहिए। और अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं बनवाना है आटा, थोड़ा सा ही ज़रूरत है, तो आप इसी तरह आटा चावल धोकर और रख दीजिए। उसके बाद से सूखने के बाद उसे मिक्सी में थोड़ा सा पीस कर आप उससे चावल का आटा बना सकते हैं। और तीसरा तरीका है, अगर आपको तुरंत कुछ बनाना है चावल के आटे से और आपके पास समय नहीं है कि आप उसे चावल को धोकर सुखा कर रखें और उसके बाद मिक्सी में पीस कर उसका आटा तैयार करें, तो मैं तीसरा तरीका बताती हूँ, जिससे आप तुरंत आटा तैयार कर, मतलब जो भी आपके चावल की रेसिपी है चावल के आटे की, उससे बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप क्या कीजिए कि जो सिंपल सा चावल होता है, नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं, वही चावल ले लीजिए, या फिर कोई सा भी चावल ले लीजिए जो आपको मन हो वही चावल लेकर, और आप उसे मिक्सी में पानी डालकर पीस लीजिए। पहले धुल लीजिए, उसके बाद मिक्सी में पानी डालकर पीस लीजिए, अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए। फिर उस पेस्ट को किसी भारी तले के कढ़ाई में डालकर और आँच पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसे लगातार चलाते रहिए, थोड़ी देर बाद वो जम जाएगा, टाइट हो जाएगा, आटे की शक्ल में आ जाएगा। तो वो आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा, सना हुआ बिल्कुल सन जाएगा, और उससे भी आप अपनी मनपसंद रेसिपी बना सकते हैं। चावल के आटे की बहुत सारी रेसिपी बनती है, जैसे फरा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बहुत से लोगों को पसंद होती हैं चावल के आटे की जो रेसिपी होती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बनवाने के लिए सुखा रही हूँ। देखिए, मैंने धुलकर डाला है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा सूख चुका है। अच्छे से सूख जाएगा तो हम इसे चक्की पर भिजवा देंगे, जिस जो आटा वाली चक्की होती है, वहाँ पे ये चावल का आटा तैयार हो जाएगा बनकर। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी, जिसको जानना हो वो जानकारी ले सके। मेरे वीडियो पे आपको इसी तरह से छोटी छोटी सी मैं वीडियो बनाती हूँ जो घरेलू जीवन से संबंधित होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।